పెట్టి కొబ్బరికాయను పెట్టి ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి ముఖం మాల చేసేసుకుని ప్రభు అమ్మ నాకు ఇంత పైసలు కావాలి స్వర్ణమే అని కాదు ఇంత పైసలు కావాలంటే మూడు రోజుల్లో ఆ పైసలు తప్పకుండా వస్తుంది అని నిశ్చితంగా చెప్తున్నాను. మీ యొక్క కోరిక నెరవేరుతాయని మీరు ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ఈ విధమైన సాధన తారా సాధన ఎవరిని ఇంతవరకు చేయించలేదు, సామూహికంగా ఎప్పుడు చేయరు. గుహల్లోనో ఒక సాధన కక్షలోనో కూర్చుని తారాసనం చేయబడుతుంది. సామూహికంగా ఇలా చేసింది ఎక్కడా లేదు. ఫస్ట్ టైం మనం చేసే తారా స్థితిని కావాలని చాలా అవుతుంది. सभी लोगों को अब मेरे तरफ से माता रानी को एक बार फूल चढ़ाकर आप प्रदर्शन करके सभी लोग इसी लाइन में वहां यहाँ बैठ के पूर्ण भक्ति के साथ प्रसाद ग्रहण कर आप अपने घर को जाएंगे. मेरा आशीर्वाद सभी को है, अंदर की आशीर्वाद. आप बोल जैसे नेरगा मेटी होते इक ये साधन चेस्तारु दानी फलिता अम्मवारिनि इंटिकि तीसुकोनि अंत आशीर्वदिस्तुन्नान. नेरगा इंटिकि वेळ्ळाली जो लोग सीधा यहाँ से अपने घर की साधना सामग्री को लेकर अपने घर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो देवता को अपने साथ लेके जा रहे हैं, इसका विश्वास रखो. अभी 9 बजे 9:30 आपको आपके साथ हर कपड़े वगैरह सब बदल कर आप अपना मित्र वस्त्र डालकर यहाँ नाम में ही माता के इस नाम में बैठकर भोजन करके आशीर्वाद लेकर सबको आगे प्रस्थान करके ऐसा समझता हूँ मैं. मुझे भी माता को क्षमा सूत्र बोलना है और माता को क्षमा मांगना है कि माँ तुम्हें मैंने बहुत तकलीफ दी. मैं आपको नहीं कहता आपको तकलीफ दी, आपको तकलीफ हुई है नहीं हुई आप जानते हैं. आपको फैन के नीचे बिठा के अच्छे गद्दे में बिठा के फैन ऊपर लगा के खाना देकर साधना करवा रहा, कोई गुफा में बैठकर पत्ते खाकर भी साधना करवा रहा. और जो भी साधना हुई इस तरह हुई आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूँ. आप 5-1.5 घंटे के अंदर कपड़े बदलकर प्रसाद धारण करेंगे, पहले 3 प्रदर्शन कर लेंगे, माता और गुरु जी के चरण में फूल चढ़ाएंगे और प्रसाद ग्रहण करके सीधे अपने घर को जाएंगे. मैं उन सभी को उस साधना की सिद्धि के बारे में और साधना का जो भी कार्य है माता और सदगुरु जी की चरणों में क्षमा मांगते हुए मैं आज का कार्यक्रम संपन्न करता हूँ. आप आपके घर को जाए दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं सभी को प्रदान करता हूँ. दशहरा दीपावली शुभकामनाएं कोई भी हमारे गुंजन जी महाराज जी के खड़े हुए हैं जो गुरुधाम में थे काम कला काली सिद्ध होना है उनको सिद्धि देकर भेजना इतनी गारंटी देता हूँ इसके लिए. तो आप सब लोग अभी आशीर्वाद मंत्र में उदय महाराज और शेष महाराज आपको आशीर्वाद से आशीर्वाद देंगे. उसके बाद आप कपड़े बदलकर सीधा प्रसाद के लिए 9:30 बजे यहाँ आएंगे. मुझे तृप्ति होगी कि आप भोजन करके यहाँ से आपके घर पर रवाना हो रहे हैं. तो हम इस नवरात्रि की पूर्ण सिद्धि के साथ शुभकामना के साथ समझता हूँ कि मेरा कार्य मैंने जो करना है और आगे जीवन में करूंगा उसमें सिद्धि का नाम होता ही और होता रहेगा. ये आशीर्वाद चाहते हैं. वैसे तो इन इस नवरात्रि में आप सभी के साथ रहकर आप से बिछड़ने का दुख तो मुझे भी है लेकिन हम फिर मिलेंगे. आशीर्वाद देता हूँ. आप सब लोग अपना अपना कार्य करते रहो, आगे चलते रहो. आप ऐसी ही साधनाओं में संपन्न करेंगे. मैंने गुरु कृष्णा के रूप में सिर्फ आपको ये मांगा है कि आप निखिल चेतना केंद्र में साधनाएं होती है, केवल साधनाएं कोई शक्ति पर दीक्षा नहीं होती, साधना करने वालों की स्थिति होती, इसकी बात जरूर बताना. बोलो आप सत्यता के साथ जो यहाँ हुआ है अगर 4 लोगों में बोल सके तो मुझे गुरुदक्षिणा मिल गई. मैं मंदिर के उतनी क्षमता को रखता हूँ कि मैं मेरे बल पर मेरे पांव पर खड़े रहकर मंदिर वालों को बताऊंगा कि ऐसा होता है और चाहता हूं कि मेरा हर शिष्य वैसा बने, उसके क्षेत्र में गुरु मंदिर हो और आश्रम ऐसा बने कि जहां
संकट दूर होने के साथ साधनाएं संपन्न करें, ऐसे समर्थन शिष्य बनते हैं आप, तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी। मैंने जो कार्य किया है वो कार्य होता है। जिनको अपने घर को तारा माता को ले जाना है वो एक नारियल स्पर्श करके जाते समय ले जाएं, खाना खाने के बाद ले जा सकेंगे। अभी सभी को एक बार हम परम श्री श्री गुरुदेव का जयघोष करेंगे, उसके बाद आशीर्वाद मंत्र का, उसके बाद प्रदक्षिणा होगी, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद कपड़े बदल के खाना खाने के लिए सभी लोग यहाँ आएंगे। अंदर कूड़ा जाएंगे इसका दिन तरवा था, मेरे अंदर कूड़ा मेरे प्रसाद तीसुकोनी मूल प्रदक्षिण लेकुंडा चेसि ఒక పూ అమ్మవారికి ఒప్పించి ఆ తర్వాత మీరు లాంగర్ వచ్చి మీ బ్రహ్మ మాస్టర్ వచ్చి ప్రసాదం గ్రహించి మీ ఇంటికి వెళ్తారు నేరుగా అని అంటున్నాను. ఎవరైతే ఇంటికి మీరు చేసిన సాధారణ ఫలితాన్ని తీసుకొని పోవాలనుకున్నారో వాళ్ళకు కొబ్బరికాయ నేను ముట్టించి ఇంట్లో చూసుకొని పూజా స్థానంలో పెట్టండి. చైత్ర నవరాత్రిలో ఆ కొబ్బరికాయ పరిగొట్టి ఇంటి వాళ్ళందరూ తినవచ్చు. చైత్ర నవరాత్రిమే जो आपके जीवन को श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम बनाएगा, कोई शत्रु आपके सामने खड़े रहने की शक्ति नहीं रखेगा, और आपकी उनकी शक्ति इतना और जुड़ा कि आप बात करेंगे तो चार लोग कहेंगे कि हाँ ये साधक है। इस तरह का हमें आगे बढ़ना है। अगर कुछ कहे हैं कि तीन महान क्या सिद्धों के पास सिद्धांत प्रवेश है तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज तक का मेरा कार्य हो गया, आगे का कार्य आपका है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद मंत्र होगा।